हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? थॉमस का मर्डर किसने किया था, आप लोगों को पता चला या नहीं? अगर नहीं पता चला तो चलिए जवाब जानते हैं, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और जो भी सवाल हम इस वीडियो में पूछेंगे उसका जवाब कमेंट में ज़रूर लिखना, और जो लोग न्यू हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो जवाब है तीसरा वाला इंसान, क्योंकि थॉमस की दीवार पर खून लगा था लेकिन थॉमस की बॉडी पर कहीं कोई निशान नहीं थी, और तीसरा वाला इंसान के सर के पट्टी पर भी खून लगा था, इसलिए मेहुल ने तीसरे वाले इंसान को गिरफ्तार किया। एक दिन केविन लाइब्रेरी में किताब पढ़ रहा था। किताब पढ़ते पढ़ते उसे टाइम का पता ही नहीं चला, काफ़ी देर हो चुकी थी, इसलिए वो अपने घर जाने के लिए बाहर निकला। तभी उसे किसी की मदद मांगने की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ क्लासरूम के भीतर से आ रही थी। जैसे ही केविन ने दरवाज़ा खोला तो रॉयान अंदर बंद था। केविन ने रॉयान से पूछा, तुम्हें अंदर किसने बंद किया? रॉयान ने कहा, मुझे नहीं पता, मैं तो कैफेटेरिया जा रहा था कुछ खाने के लिए, लेकिन कैफेटेरिया बंद था। नए में कोई मेरे पीछे से आया और मुझे कपड़े से लिपट कर रूम के अंदर ठेल कर दरवाज़ा बंद कर दिया। केविन ने कहा, अभी घर चलो, कल आकर पता लगाते हैं कि तुम्हें कमरे में किसने बंद किया है। दूसरे दिन केविन और रॉयान अपने सारे दोस्तों से पूछताछ करते हैं। पहले पीटर से पूछा, उसने कहा, मैं अपना होमवर्क कर रहा था, मुझे कुछ पता नहीं। फिर एना से पूछा तो उसने कहा, मैं पीटर के साथ जल्दी घर चली गई थी। फिर जैक से पूछा, जैक ने कहा, मैं कल बीमार था इसलिए स्कूल ही नहीं आया था। लास्ट में जेस से पूछा तो उसने कहा, मैं कैफेटेरिया में कुछ खा कर फिर बैडमिंटन खेलने चली गई थी, मुझे कुछ भी पता नहीं। तो बच्चों, आप इन चारों के बयान सुनते हुए पता लगा सकते हैं कि किसने रॉयन को क्लासरूम में बंद किया था? ध्यान से देखिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो जवाब है जेस, क्योंकि उसने कहा कि वो कैफेटेरिया में खा कर गई थी, लेकिन कैफेटेरिया तो कल बंद था, इसका मतलब वो झूठ बोल रही है और उसने ही रॉयन को क्लासरूम में बंद किया था।